भिलवाकाटी थाना इलाके में अदपेलिया पुल के पास में लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को पपरवा टाड़ पुलिस कार्यालय में SDPO अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि पुलिस ने फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूटपाट मामले का खुलासा महज 24 घंटे के अंदर कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ फाइनेंस कर्मी से लूटी गई नगद राशि, बाइक समेत अन्य सामग्रियों को भी बरामद किया है। इस संबंध में सदर SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 17 अगस्त की सुबह भिलवा घाटी थाने में RBL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के कर्मी सौकात अली से भिलवा घाटी थाना इलाके से झारखंड बिहार के बॉर्डर स्थित अदपेलिया पुल के पास तीन बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की थी। इस दौरान 16,000 रुपए समेत उनकी बाइक, मोबाइल, टैब, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लूट लिए थे। SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही गिरिडीह SP अमित रेणु के निर्देश पर एक टीम का गठन कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। इसके बाद टीम ने 24 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल दो अपराधी चंद्रशेखर सिंह उर्फ शेखर को और संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गिरफ्तार चंद्रशेखर सिंह का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है, इस पर घोड़तंबा क्षेत्र में कांड अंकित है। बताया गया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने वाले टीम में SDPO मुकेश कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक सहदेव प्रसाद, भिलवा घाटी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों व जवान शामिल थे। 16 अगस्त को 5:30 बजे शाम में अदपेलिया पुल है जो कि भिलवा घाटी थाना क्षेत्र में है, वहाँ तीन अपराधकर्मी अपाचे मोटरसाइकिल से आए और एक फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है RBL फाइनसर लिमिटेड उसके कर्मी सौकत अली से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसके TVS मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। 16,000 रुपये लूटी गई थी और उनका टैब, अपना निजी मोबाइल और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस लूटी गई थी। इस संबंध में सूचना मिलने पर भिलवाघाटी थाना प्रभारी द्वारा कांड दर्ज किया गया और एक टीम बनाकर बड़ी पदाधिकारियों के आदेशानुसार छापेमारी शुरू की गई। उसमें जो कांड में जो संलिप्त थे चंद्रशेखर सिंह और संतोष कुमार यादव, दोनों को कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे और कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल TVS और 2,000 रुपये और फिंगरप्रिंट डिवाइस और सैमसंग का टैब भीती से तीसरी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है और सभी ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया है घटना में और उनको विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एक अपराधकर्मी भागने में अभी सफल रहा है, उसकी गिरफ्तारी हेतु भी छापामारी चल रही है। इन लोगों पर पहले से भी, हाँ, चंद्रशेखर सिंह ने उसका आपराधिक इतिहास, दो कांडों में पाकुड़ में भी जेल जा चुके हैं और जो अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भी पता किया जा रहा है कि ये किन किन घटनाओं में पूर्व में घटनाओं में शामिल हैं।